तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त दिख रहा है, और इसके मुंह में एक मछली फंस गई है बेचारी। काफी खूबसूरत है, काफी शानदार है, आपको इस साइड से दिखाना हाय चाहिए। मित्रों, आप सभी को मामा भांजा ब्लॉग में सभी को एक साथ स्वागत करता हूं। इस चैनल पे आप सभी को पूरे देश और विदेश की हर एक खूबसूरती देखने को मौका मिलेगा। गरीब से अमीर व्यक्ति के जानने को मौका मिलेगा, उनसे उनकी जीवनियां कैसी थी, कैसे वो आगे बढ़ा, सबसे आपको मुलाकात करवाऊंगा। और एक ही चैनल पे आप जो सोचेंगे वो आपको मिलने वाला है। बस जो आपको जानना है, समझना है ना, इसके लिए आप कमेंट में जरूर लिखें। और ये मेरी बिटिया रानी है जो कुछ आपसे करना चाहती हैं। तो हाँ बोलिए बोलिए बिटिया रानी। पहले ठीक है, पहले हाय बोलिए, उधर हाय हाय करिए, हाय करिए, हाय 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 हाय। कैसे हाय, हैं आप लोग? आप बोलिए, आप पूछिए। अच्छा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो भांजा आपको क्या ख्याल है, थोड़ा सा मैं भांजे से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनोद कुमार है और ये मेरे मामा हैं, और हम दोनों ने मिलकर सोचा कि चलो कुछ नहीं तो एक चैनल बनाते हैं और उस पे ब्लॉग लोगों को कुछ दिखाने और बताने का प्रयास करते हैं। तो यही सोच करके चैनल को ओपन किए, तो दोनों मामा भांजा मिलके आज आप लोगों को कुछ दिखाने की प्रयास करते हैं। तो मामा बताइए, आज कहाँ ले चल रहे हैं हमारे ऑडियंस को? भांजे, आज मैं बड़ा खूबसूरत जगह पे लेके जाने वाला हूँ। लखनऊ के अंतर्गत एक उकरेल पार्क है जहाँ पे कमाल की खूबसूरती है, जिसमें से मैं ये दिखाऊंगा। आज एक घड़ियाल को भी दिखाऊंगा और हो सके मगरमच्छ को भी दिखाऊंगा। और क्या देखने वाली जगह है, थोड़ा बहुत भांजे आप भी बताओ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने भी उस पार्क में एक बार जा चुका हूं, तो मैंने भी वहां की खूबसूरती को देखा है। बहुत ही अच्छा लगा वहां पे जाकर, बहुत ही सुकून मिलता है दोस्तों। वहां पे देखने के लिए एक एक चीज नहीं बल्कि वहां पे तीन चीज है, क्योंकि वहां पे पहले तो एक जंगल है और जंगल में पार्क है और पार्क में ही म्यूजियम है। तो आपको दोस्तों आज एक चीज नहीं तीन तीन चीज देखने को मिलेगा, एक जंगल, पार्क और म्यूजियम। तो दोस्तों चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, हम आप लोगों के लेके चल रहे हैं कुकरेल पार्क में। तो दोस्तों हम लोग घर से निकल चुके हैं कुकरेल पार्क के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ, आप लोगों को हम दिखाते हैं कुकरेल पार्क और वहाँ के हरे भरे जंगल। दोस्तों हम लोग जंगल में पहुंच चुके हैं और एक कुकरेल फॉरेस्ट है, और इस रास्ते से होते हुए हम लोग जाएंगे कुकरेल पार्क में। तो थोड़ा सा रास्ता लंबा पड़ जाएगा जंगल का, थोड़ा सा रास्ते का मजा लेते हुए चलते हैं हम लोग और आपको दिखाते हैं कुकरेल पार्क। कुकरेल पार्क पहुंचने वाले हैं, यहाँ से आप लेफ्ट लेकर खुर्रम नगर जा सकते हैं, और यहाँ से लेफ्ट राइट लेंगे तो आप कुकरेल पार्क में पहुंचेंगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको कुकरेल पार्क में, और देख सकते हैं कितनी सुंदर नज़ारा है, कितनी खूबसूरत है, चारों तरफ की हरियाली आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन है, कितना खूबसूरत है, चारों तरफ बस हरा भरा ही आपको दिखेगा। ये देख सकते हैं काफी खूबसूरत है, प्राकृतिक खुद ब खुद अपनी खूबसूरती को बिखेर रही है चारों तरफ, आप देख सकते हैं चारों तरफ बस खूबसूरत ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये बस पहुंचने ही वाले हैं, गेट थोड़ी थोड़ी दिखने लग गई है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम आप लोगों को दिखाते हैं कुकरेल पार्क। ये हम लोग पहुंच गए हैं कुकरेल पार्क के गेट पे। ये पार्किंग का
जगह है, यहाँ पे आप मोटरसाइकिल बाइक जो भी कुछ फोर व्हीलर से आए हैं उसे आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि ये पार्क जंगल में है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू कुकरेल फॉरेस्ट। तो दोस्तों इसी के अंदर आपको कुकरेल का पार्क दिखाते हैं। इधर गाड़ी पार्क कर दिए हैं और चलते हैं आप लोगों को ले करके कुकरेल, कुकरेल का गेट यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे और चलते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यहाँ पे आके घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं कुकरेल पार्क और इसके अंदर का हरा भरा खूबसूरत नज़ारा आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं चारों तरफ बस हरियाली हरियाली है। ये रहा एंट्री गेट, यहाँ से हम लोग अंदर आए हैं। तो ले चलते हैं अभी आप लोगों को दिखाते हैं आगे का दृश्य। ये रही दोस्तों कुकरेल पार्क की सुंदर और खूबसूरत वादियाँ, देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत है, कितनी हरी भरी है। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत वादियाँ हैं। इधर आप देख सकते हैं इधर झूला वगैरह है और उस पर आप चढ़ के अपना फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, बहुत ही शानदार है। कुछ लोग देख सकते हैं वहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, तो काफ़ी खूबसूरत है, आप भी आके घूम सकते हैं। ये देखिए इधर आपको दूर दूर तक हरियाली ही दिख रही होगी, काफ़ी हरा भरा है और देखिए लगता है पेड़ों की कटिंग हुई है। तो दोस्तों हम लोग ग्रीन हट पहुँच चुके हैं और इधर देख सकते हैं काफ़ी लोग इधर हैं जो कि मस्ती कर रहे हैं पार्क में आके। अब देख सकते हैं उधर झूला वगैरह भी लगा है, स्लाइडर वगैरह भी लगा है, आप आके झूल सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है, इको फ्रेंडली है ये पार्क, क्योंकि चारों तरफ बस आपको जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा और हरियाली ही देखने को मिलेगी, कोई प्रदूषण नहीं है यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत काफ़ी शानदार है, देख सकते हैं आप। नो चिक पिक नो पिक पिक, बिल्कुल शांत माहौल, कोई दिक्कत नहीं, मूड फ्रेश हो जाए, यहाँ पे आके आपको काफी सुकून महसूस होगा। बाकी देख सकते हैं इधर यहाँ पे काफी लोग हैं, कुछ लोग हैं जो घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, देख सकते हैं ग्रास, यहाँ पे ग्रास की कटिंग की गई है, देख सकते हैं काफी खूबसूरत है। ये देखिए ये रहे मामा जी, टोपी को सहार रहे हैं। बाकी काफ़ी खूबसूरत है, आप आके एक बार घूम सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन, ये देख सकते हैं इधर झूला और स्लाइड वगैरह लगी है, आप यहाँ पे आके मस्ती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली के साथ भी आके आप घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही शांत माहौल है यहाँ पे, आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं कुकरेल पार्क में एक छोटी सी शॉप है, यहाँ पे आके आप जो खाने पीने का सामान है ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए कुकरेल पार्क की खूबसूरती क्या जबरदस्त है, काफी खूबसूरत काफी शानदार है। साथियों आपको बताना चाहूंगा ये औषधि वन है, पहले के लोग हमारे पूर्वजों लोग अंग्रेजी दवाइयों को सेवन नहीं किया करते थे, चाहे सर्दी हो जुकाम हो या फीवर आता था, वो औषधियाँ इस्तेमाल किया करते थे, काढ़ा को बनाकर कुछ और वैदिक जड़ी बूटी को यूज कर कर स्वस्थ रहा करते थे। और अंग्रेजी दवाइयों ने इंसान को ऑर्गेन से उसको डैमेज कर दिया, नुकसान कर दिया। तो मैं दिखाना चाहता था कि कैसा हर्बल गार्डन होता है और वैदिक औषधियाँ बनती है, कैसे पौधे होते हैं, काफ़ी चीज़ दिखाते, गलोई उलोई दिखाते इसमें आपको, बड़े सारे बुखार लगने पे आपको किस प्रकार के पौधे को इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा यहाँ पे तुलसी का पेड़ है, काफ़ी तुलसी जो कई प्रकार की काम में आती है, टॉक्सिन को ख़त्म करता है, बहुत अच्छी चीज़ें लाभदायक थी, सबको बारे बारे बताता, पर कोई बात नहीं, किसी नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, ये हमारा पेंडिंग रह जाएगा, धन्यवाद। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्रोकोडाइल, जो कि काफ़ी खतरनाक काफ़ी भयानक दिखेगा आपको, तो बने रहिए, बस पहुँचने वाले हैं, पहुँच गए हैं, आपको दिख रहा होगा उसका क्रोकोडाइल का स्टैचू का वो अगला पार्ट, देखिए दांत दिख रहे हैं उसके,
तो बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ क्रोकोडाइल। सॉरी क्रोकोडाइल नहीं, ये घड़ियाल है, घड़ियाल। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कितना जबरदस्त मुंडी फाड़ रखा है। ये है घड़ियाल, क्या काफी क्या खाते हैं, मछली देख रहे हैं, मुंडी मछली के मुंडी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त दिख रहा है, और इसके मुंह में एक मछली फंस गई है बेचारी। काफी खूबसूरत है, काफी शानदार है, आपको इस साइड से दिखाने की प्रयास करते हैं। ये देखिए ये रहा साइड्स का व्यू, काफी खूबसूरत, काफी जबरदस्त है। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजारा है, क्या बात है। काफी खूबसूरत दिख रहा है, देख सकते हैं, मैं आप लोगों को उस साइड से दिखाता हूँ। तो ये रहा सामने का व्यू, आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त दिख रहा है। ये रहा सामने का, ये साइड से दिखाते हैं आप लोगों को, देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। वाह क्या स्ट्रक्चर है इसकी। ये रही मछली की मंडी, इधर से दिख रही, उधर पूछ थी उसकी। ये रहा, और ये रहा, ये घड़ियाल ही लग रहा है, मगरमच्छ तो नहीं है, घड़ियाल ही है। ये घड़ियाल की मुंडी है, पीछे से तो इसकी गायब है। आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नजारा है, ये देखिए क्या जबरदस्त है। काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है इसकी, ये देख सकते हैं पीछे से कुछ नहीं है, पीछे से इसको पूंछ गायब हो गई है, तो इसकी पूंछ नहीं है, ये देख सकते हैं। ये रहा पीछे का नजारा, ये मैं आपको इधर से दिखाता हूँ सामने निकल कर। वाओ वाओ, किसी गुफा में घुस रहे हैं ऐसा महसूस हो रहा है। ऊपर में आते ये रहे घड़ियाल, ये देखिए सारे के सारे मस्ती कर रहे हैं, ये देखिए कितने सारे घड़ियाल। वाओ मुंडी फाड़ रखा है, ये सारे के सारे घड़ियाल ही हैं। ये रहा, ये रहे घड़ियाल, ये सो रहा है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे घड़ियाल हैं, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोग खाते क्या हैं और कैसे जीवित रहते हैं। साथियों अभी आपने पार्ट वन में देखा कुकरेल पार्क में हम सभी लोग कैसे एंट्री लिए और एंट्री लेकर कैसे घड़ियाल का मजा लिए। तो सेकंड पार्ट में आप सभी को देखने को मौका मिलेगा म्यूजियम, और म्यूजियम के साथ साथ एक बंदर को देखने को मौका मिलेगा जो बंदर बिल्कुल इंसान की तरह हरकतें कर रहा है। शायद मैं बोल रहा हूँ तो आपको आँखों और कानों पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, पर देखेंगे तो आपको ज़रूर विश्वास हो जाएगा। तो कुछ ही समय में आपको सेकंड पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे चैनल पे आप वीडियो विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें कि यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।